students, welcome to the new session of Learn Fatafat. How are you guys? So today we are going to discuss fiber to fabric, its last part, that is history of clothing material. ठीक है, तो हमने अब तक बहुत सारे पार्ट इस चैप्टर के लगभग कवर कर लिए हैं. तो अगर आपको और भी ज़्यादा लाइव सेशन चाहिए और आपको एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको आपके डाउट्स ऑन द टाइम सॉल्व करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी ही लर्न फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. लर्न फटाफट लर्निंग ऐप में आपको लाइव सेशंस मिलेंगे. वहाँ पे बहुत ही सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. वहाँ पे आपको रेगुलरली असाइनमेंट्स दिए जाते हैं. आप वहाँ पे कोर्सेज देख सकते हो, आप वहाँ पे वीडियो क्लिप्स देख सकते हो. सो वहाँ पे बहुत ही कुछ अवेलेबल है. तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको प्ले स्टोर पर जाना चाहिए और लर्न फटाफट लर्निंग ऐप अभी डाउनलोड करना चाहिए. सो कम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट बिलोंग्स टू चैप्टर 3. ठीक है, ग्रेड 6 का है, साइंस है. टॉपिक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. है ना, अब तक हमने क्या क्या देखा है, अब तक हमने देखा है जो फाइबर्स हैं, राइट. हमने देखा कि जो फाइबर्स हैं वो किससे बने हुए हैं. द फाइबर्स आर मेड फ्रॉम, हेलो पिंकी, ओके, यस. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट फाइबर्स. ठीक है, जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स को स्पिन करके, राइट, फाइबर्स को स्पिन करके, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. यार्न यानी क्या, यार्न यानी, यस यस, आई रिमेम्बर यू काव्या, यस. सो यार्न किससे बनता है, यार्न बनता है, ओ सॉरी, यार्न को थ्रेड भी कहा जाता है और यार्न बनता है फाइबर से. अब यार्न को जब हम वीव करेंगे या फिर जब हम उसे निट करेंगे, यानी वीविंग के प्रोसेस के थ्रू और निटिंग के प्रोसेस के थ्रू, यार्न से क्या बनता है, यार्न से बनता है फैब्रिक. फैब्रिक यानी क्लोथ. दैट्स व्हाई, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक, यानी फाइबर से फैब्रिक बनाने के पूरे प्रोसेस को हमने अब तक इस चैप्टर में कवर कर लिया है. पर हमने हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल देखा नहीं, मतलब कि क्लोथ इन्वेंट कब हुए, कैसे हुए, ये किसी को पता नहीं है. तो चलिए अब हम इसके लिए थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल में आता क्या क्या है. ठीक है, सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. सो आज, है ना, आज की डेट में हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, राइट. फ्रॉक्स पहनते हैं, है ना, फ्रॉक्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, विंटर में स्वेटर्स पहनते हैं, समर में कॉटन टी शर्ट, कॉटन कुर्ती पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, लेगिंग पहनते हैं, इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स. तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्लोथ बनाने का आइडिया आया किसको था और बनाया किसने? यस, सो जो क्लोथ बनाने का आइडिया है ना, अभी तक हमको ये पता नहीं है कि क्लोथ बनाने का आइडिया आया कहाँ से, है ना. पर बहुत टाइम पहले, है ना, बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले, ह्यूमन बींग्स जो थे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ह्यूमन बींग्स ने कपड़े पहन रखे हैं, बट बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत साल, 5 लाख, है ना, 5 लाख ईयर्स अगो, यानी अब से 5 लाख पहले, ठीक है, इतना पहले टाइम क्लोथ जो है वो एक्सिस्टेंस में आया था, यानी क्लोथ इन्वेंट हुआ था. पर हमें एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं है कि क्लोथ इन्वेंट हुआ कैसे था. पर हिस्ट्री, यानी हमने जब साइंटिस्ट ने एक वन बाय वन स्टडी किया, तो उनको पता चला कि एक टाइम था, एंशियंट टाइम था, जब जो ह्यूमन बींग्स थे, है ना, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स की तरह ही नेचुरल स्किन में घूमते थे, यानी एनिमल्स की तरह ही रहते थे बिना कपड़ों के, ठीक है. फिर 5 लाख साल पहले, ठीक है, अफ्रीका के कुछ ह्यूमन बींग्स, है ना, हर अलग ह्यूमन बींग्स जो थे वो वर्ल्ड की अलग अलग एरिया में रहते थे. तो जो अफ्रीका में रहने वाले ह्यूमन बींग्स थे, अफ्रीका में रहने वाले इंसान थे, उन्होंने अलग अलग जगह पे ट्रेवल करना स्टार्ट किया. कुछ लोग यूरोप गए, यूरोप इज अ नेम ऑफ कंट्री, हाय मैम,
हाँ कल क्लास 7 होगी. यस, फाइबर टू फैब्रिक्स. यस, हम स्टार्ट करने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड. और आज का भी अगर आपको देखना है, आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इससे आपका जनरल नॉलेज इंक्रीज होगा. सो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ इसे देखना. ठीक है. सो अफ्रीका में जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने यूरोप ट्रैवल करना स्टार्ट किया. कुछ लोग साइबेरिया गए और कुछ लोग नॉर्थ के साइड में गए. वर्ल्ड के नॉर्थ के साइड पे, यानी वर्ल्ड के ऊपरी हिस्से में. अब नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ रीजन में, वर्ल्ड के नॉर्थ रीजन में, वहां पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है. कोल्ड क्यों होता है? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्नोफॉल. ठीक है, वहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा थी. तो तब ह्यूमन बींग को समझ में आया कि हमको प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, हमें कवर करने के लिए, राइट? हमें कवर करने के लिए कुछ तो चीज चाहिए. तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ये बात है लगभग 5 लाख साल पहले की. तो कुछ ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को देखा, राइट? एनिमल्स की स्किन को देखा कि एनिमल्स की स्किन जो है ना, जैसे शेर की स्किन हो गई या दूसरे एनिमल्स की जो स्किन है, वो बहुत मोटी है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बेयर पाया जाता है, उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा मोटी होती है. तो जो ह्यूमन बींग है, उसने क्या किया, ह्यूमन बींग जो थे तब के, उन्होंने कुछ वेपन्स बनाए, राइट? वो एनिमल्स को खाते थे. पुराने जमाने के लोग प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते थे और एनिमल्स को भी खाते थे. तो उनके पास टूल्स थे और वेपन्स थे, पत्थरों से बने हुए और लकड़ियों से बने हुए. तो इन्होंने क्या किया, इन ह्यूमन बींग्स ने टूल्स और वेपन्स यूज करके एनिमल्स को किल किया, राइट? एनिमल्स को मारा. और फिर जो एनिमल्स को किल किया, तो उनकी जो स्किन थी, राइट, उनकी स्किन को खाने की बजाय इसे अलग करके अपने ऊपर ओढ़ लिया. यानी उन्होंने स्किन, एनिमल की स्किन पहनना तब से स्टार्ट किया. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर्सन ने एनिमल की स्किन से अपनी बॉडी कवर की है, राइट? तो ये उन्होंने, ह्यूमन बींग ने ये नीड के लिए किया है ना, उसने एनिमल का फर पहन लिया. अब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, राइट, अब जैसे, हाय मयंक भैया, हाय हर्षु नारायण, हाय गुड इवनिंग एवरीवन. मैंने अब तक बात की है एनिमल्स के फर की. मतलब अभी तक हमने जो बात की है, वो बात की है कि पहले लोग बिना कपड़ों के रहते थे, दे लिव विदाउट क्लोथ, यानी जैसे एनिमल्स रहते हैं वैसे ही रहते थे. फिर जब वो कोल्ड एरिया में गए, तब उनको समझ में आया कि हमें किसी चीज की जरूरत है, तो उन्होंने एनिमल स्किन पहनना स्टार्ट किया. फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेनफॉल में अपने लिए शेड बनाना स्टार्ट किया, रेनफॉल से बचने के लिए, है ना? जैसे एनिमल्स पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते थे, तो इन्होंने केव्स में रहना स्टार्ट किया. इन्होंने हट बनाना स्टार्ट किया अपने लिए, हट यानी झोपड़ी बनाना स्टार्ट की. और फिर गर्मियों के टाइम पे अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो एनिमल का फर यूज नहीं कर सकते थे. क्यों? बिकॉज एनिमल का फर मोटा होता है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है. तो हम वो पहनेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, पसीना आएगा. इसीलिए तब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, तब उन्होंने लीव्स को, है ना, लीव्स को, घास को एक दूसरे के साथ सिलकर, स्टिच करके पहना. ठीक है. सो ऐसे इन्वेंशन हुआ कपड़ों का. सबसे पहले एनिमल फर पहनना स्टार्ट किया, फिर अपने लिए शेड बनाना स्टार्ट किया, कब पत्ते, जैसे आदिवासी कुछ पहले पत्ते पहनते थे, तो वो पहनना स्टार्ट किया. धीरे धीरे अलग अलग मौसम के हिसाब से उन्होंने अपने कपड़ों को बदला. जैसे हीट, कोल्ड और रेन, है ना, हीट में यूज की पत्तियां, कोल्ड में यूज की एनिमल का फर, और रेनिंग टाइम पे एनिमल की स्किन यूज की. धीरे धीरे क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने फार्मिंग करना स्टार्ट किया. ठीक है, फार्मिंग करना स्टार्ट किया. फार्मिंग करने से यस मैम, एनिमल्स स्किन आर वेरी हॉट, सो द एनिमल कैन सर्वाइव. यस, वेरी गुड. एनिमल्स की जो स्किन होती है, वो बहुत ही थिक होती है, इसीलिए वो विंटर में सर्वाइव कर पाते हैं, राइट? तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स को भी ठंडे रीजन में सर्वाइव करना था, है ना, नहीं तो वो मर सकते थे. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टूल्स और वेपन्स यूज करके एनिमल्स को किल किया और उनके फर को उनसे सेपरेट करके खुद पहना. ठीक है. सो दे यूज एनिमल फर फॉर देयर प्रोटेक्शन. ओके. यस नव्या, यू आर राइट.
सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट फार्मिंग. तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, जो मतलब पहले के लोग थे उनको तब फार्मिंग मतलब कुछ ग्रो करना चाहिए अपने लिए, खाना मतलब अपने लिए खाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्लांट्स अपने ही एरिया में ग्रो करना स्टार्ट किए. और इसी के साथ साथ उन्होंने ट्विक्स और लीव्स में से मैट्स और बास्केट्स बनाना स्टार्ट किए. ठीक है, मैट्स और बास्केट बनाना स्टार्ट किए, मतलब ये घास को एक साथ वीव करके बास्केट बनाई बम्बू के, और कुछ मैट्स बनाए, ये यूज़ करते थे अपनी डेली लाइफ में स्टोरेज के लिए. फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये जो ह्यूमन बींग्स हैं इन्होंने एनिमल के हेयर्स को स्किन से सेपरेट किया, है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ही आपको स्किन दिख रही है, तो इसमें से हेयर्स को सेपरेट आउट कर लिया और फिर हेयर्स को ऐसे ट्विस्ट किया, मतलब दोनों दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में यूज किया और उससे यान बनाया. ठीक है, यान बनाने के बाद क्या हुआ, यान बनाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया, है ना. फैब्रिक बनाने के बाद क्या हुआ, लेट मी टेल यू. एक टाइम था मतलब जब एनिमल फर यूज करते थे लोग, तो कुछ टाइम के बाद ये जो आदि मतलब जो पहले के टाइम के लोग थे, पुराने लोग, एंशियंट पीपल, उन्होंने जो कपड़ा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टी शर्ट बना ली. ठीक है, धीरे धीरे जब उन्होंने कपड़े पहनने स्टार्ट किए तो उन्होंने इसमें टी शर्ट में ऐसे होल्स करना स्टार्ट किया, है ना. फॉर एग्जाम्पल यानी यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बनाया है जिसके ऊपर मैं जिसके ऊपर है ना गले के साइड पे होल्स बनाए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, ये जो ट्विस्ट हेयर्स है ना, हेयर्स को यूज किया इनमें से पास ऑन करने के लिए. यानी फिर ये क्या कर सकते थे, कपड़े को लूज और टाइट, है ना, लूज टाइट करना सीख लिया, कपड़ा बनाना सीख लिया, होल्स करके उसमें कुछ बांधना, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग बांधी है, इससे वो अपने ड्रेस को लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं. इसी के साथ साथ कभी कभी वो यहाँ पर भी होल बनाते थे और इस होल में वो अपने वेपन्स और टूल्स को लटका के घूमते थे, है ना, वेपन्स टूल्स लटका के घूमते थे. यानी हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, जहां जहां वो जाएंगे वहां पे वो फील होंगे. ठीक है मैम, थ्रेड, यस थ्रेड, ये जो स्ट्रिंग है इसे हम थ्रेड बोल सकते हैं, बट जो थ्रेड होता है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है. ठीक है, पर ये जो स्ट्रिंग बनी थी ये इतनी थिन नहीं थी लाइक अ थ्रेड, बिकॉज वहां पे तब थ्रेड इन्वेंट नहीं हुआ था, तो हम इसे स्ट्रिंग ही बोलेंगे. ठीक है, वाई, बिकॉज इसकी जो विड्थ है, यानी ये जो कपड़ा है इसकी विड्थ ज्यादा है, ये थोड़ा मोटा है, दिस इज थिक थ्रेड, हम इसे थिक थ्रेड बोल सकते हैं. ठीक है, सो थोड़ा टाइम गुजरा, होल्स बनाना स्टार्ट किए इन लोगों ने, और फिर इन्होंने कपड़े को वीव करना भी सीखा. ठीक है, फैब्रिक्स को अलग अलग वीव करना सीखा और फिर फैब्रिक में से कपड़ा बनाना सीखा. ठीक है, फैब्रिक मतलब सॉरी यान में से धीरे धीरे उन्होंने वीविंग सीखा और फैब्रिक बनाया. अभी एक सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, जब साइंटिस्ट ने पता किया यानी सर्च किया, तो उन्हें एक कताल हुयुग नाम की प्लेस मिली. ठीक है, कताल हुयुग जो है ये सबसे ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन है. ठीक है, सबसे ओल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ पे लोग रहते थे, फार्मिंग करते थे, और जो कपड़ा रहता है ना, जो हेम्प प्लांट है, ठीक है, जो हेम्प प्लांट है उसको ग्रो करते थे, हेम्प प्लांट से जो फाइबर मिलते थे उनसे ये कपड़ा बना लेते थे. कपड़े का नाम है लिनेन, ये लिनेन आज भी लोग यूज करते हैं फॉर हॉट वेदर, है ना, हॉट वेदर में यानी गर्मी के सीजन में लोगों को मोटा कपड़ा नहीं चाहिए, पतला कपड़ा चाहिए, तब लोग हेम्प यूज करते थे और लिनेन नाम का फैब्रिक बनाते थे बाय प्रोसेस ऑफ वीविंग. ठीक है, वीविंग करते थे और लिनेन कपड़ा बना के पहनते थे. इजिप्ट में तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जाते थे. इजिप्ट में भी लिनन बनाया जाता था और वहाँ पे रैम्प नाम का एक प्लांट ग्रो किया जाता था जिससे फाइबर्स मिलते थे. इजिप्ट सबसे फेमस सिविलाइजेशन है. इजिप्ट में लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते थे. ठीक है मैम, थ्रेड, वेयर इज इट, इजिप्ट एक नाम की कंट्री है. ठीक है, मैं लेट मी टेल यू, जैसे मैंने आपको पहले अफ्रीका बताया, राइट, अफ्रीका बताया और अमेरिका बताया, वैसे ही इजिप्ट एक नाम की कंट्री है और कताल हुयुग जो है वो एक प्लेस है. ठीक है, ये अब तक पता नहीं है कि ये कहाँ, मतलब ये इसका रिसर्च अभी तक पूरा हुआ नहीं है, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है, बट
ये भी किसी दूसरी कंट्री में भी है, आई थिंक ये जापान या फिर चाइना की चाइना में होगी, कतालियुग। ठीक है, वेयर दे लिव। जैसे लेट मी टेल यू, जैसे हट बनाया था राइट, ये झोपड़ी में रहते थे, ठीक है, झोपड़ी में रहते थे, या फिर जो काउडंग होता है ना, काउडंग, और ये जो डंक है, जो मटेरियल है, सॉइल, ठीक है, सॉइल हो गया, और जो स्टोन्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, ये सब यूज करके वो एक घर बनाने थे, दे मेक अ होम, ठीक है, कच्चा मकान बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है, वो कच्चा मकान बनाते थे, और सॉइल और स्टोन यूज करके, ठीक है, सॉइल यूज करते थे, स्टोन यूज करते थे, मड यूज करके ये लोग अपने लिए घर बनाते थे, उसमें रहते थे, और घर के बाहर ही, फॉर एग्जाम्पल, ये होम बना दिया इन्होंने, और घर के बाहर ही आंगन में इनकी फार्मिंग होती थी, ठीक है, फार्मिंग होती थी, और यही बाजू में वो अपने जो पेट एनिमल हैं, जैसे शीप हो गया, चिकन हो गया, या फिर डॉग है, जो भी है वो उसे वहीं पे पालते थे इन केस। हाँ, जो नहीं, जो लोग, मतलब जो लोग एनिमल के फर, डायरेक्टली एनिमल के फर यूज करते थे ना, लेट मी गो ऑन माई प्रीवियस लाइफ फर्स्ट। ये देखो, ये जो एनिमल यहाँ पे रह रहा है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती थी ना, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग केव्स में रहते थे, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी टाइम पे, बहुत टाइम पहले लोग केव्स में रहते थे, धीरे धीरे जैसे इनोवेशन हुआ, जैसे कपड़े इन्वेंट हुए, वैसे वैसे रहने का टाइप भी बदला, फिर लोग हट यानी झोपड़ा बना के रहने लगे, फिर हट के बाद उन्होंने कच्चा मकान बनाया, फॉर एग्जाम्पल मड यूज किया, स्टोन यूज किया, सॉइल यूज करके, काउडंग यूज करके कच्चा मकान बनाया, और फिर उसमें रहने लगे। इज इट क्लियर? ओके ओके, सो लेट मी क्लियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप चैट करके पूछ सकते हो। यस, नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जैसे ट्विग्स बनाए, थ्रेड्स बनाए, है ना, थ्रेड बनाने के बाद मैं फैब्रिक्स की बात कर रही थी, राइट, तो इजिप्ट में, है ना, इजिप्ट की बात चल रही थी, इजिप्ट में लोग अलग अलग टाइप के, फॉर एग्जाम्पल रीड नाम का, रीड नाम के, इजिप्ट में रीड नाम का जो प्लांट है, उससे फैब्रिक बनाया जाता था, एज वेल एज पायरस नाम का जो प्लांट है, उसमें से बनाया जाता था, और एक हेम्प प्लांट हैम और फ्लेक्स, ठीक है, ये मटेरियल यूज किए जाते थे, फैब्रिक बनाने के लिए, और कौन सा प्लांट है, और पाम प्लांट है, ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये यूज किया जाते थे फैब्रिक बनाने के लिए। बट डू यू नो कि सिल्क कैसे इन्वेंट हुआ? डू एनीवन नो कि सिल्क कहाँ पे इन्वेंट हुआ? अब तक जो भी हम लोग पहन रहे थे, ये प्लांट का मटेरियल है, और एनिमल की स्किन डायरेक्टली यूज कर रहे थे, है ना, हमें अब तक कोई भी फाइबर जो है हेयर्स के अलावा नहीं मिला था। डज एनीवन नो कि सिल्क कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? यस खुशबू, यू कैन आस्क मी हाउ दे, व्हाट डज दिस मीन्स, ब्रश, ब्रश या फिर क्या, मतलब मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ, आप हिंदी में भी लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। क्या आपको पता है कि सिल्क कहाँ से इन्वेंट हुआ? मैम, हाउ दे वॉश क्लोथ्स, वो क्लोथ्स को डायरेक्टली पानी में, ठीक है, वो सीधे क्लोथ्स को दे, जब एंशियंट टाइम था, जब पुराना टाइम था, बहुत पुराना टाइम था, तब लोग क्लोथ्स को वॉश नहीं करते थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो ऑन माई प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, देखो ये एनिमल की स्किन है राइट, एनिमल की स्किन के टाइम पे ये ठंडा रीजन है, तो यहाँ पे जब टाइम था तो ये लोग क्लोथ्स को वॉश नहीं करते थे, दे डू नॉट यूज टू वॉश क्लोथ्स, जैसे ये लीव्स है, इनको भी वॉश नहीं करते थे, जब इनके इनके क्लोथ्स खराब हो जाते थे तो ये वापस हंटिंग करते थे, और हंटिंग करने के बाद वापस से दूसरे, मतलब न्यू क्लोथ्स पहनते थे, पर जैसे जैसे इनोवेशन हुआ तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्लोथ्स को डायरेक्टली
वाटर में, ठीक है, डायरेक्टली वाटर में वॉश करते थे, तब डिटर्जेंट नहीं थे, सोप्स नहीं थे, तो ये लोग क्लोथ्स को डायरेक्टली वाटर में डाल के वॉश करते थे, नो नीड टू अप्लाई एनी डिटर्जेंट और सोप. ओके, रिवर साइड, यस रिवर साइड, जो भी वाटर रिसोर्स होगा, रिवर होगा या फिर वहाँ पे लेक होगा, पॉन्ड होगा, जो भी वाटर रिवर रिसोर्स अवेलेबल है वो उसे यूज करके वाटर में डायरेक्टली धो देते थे. ठीक है, यस तनु, हाउ आर यू तनु? ओके, सो नाउ लेट अस गो ऑन आर प्री, मतलब जो हमने पहले स्लाइड देखी थी, चलो उस पर जाते हैं. ये आ गए, ठीक है. तो मैं बात कर रही थी सिल्क की. क्या किसी को पता है कि सिल्क कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? सिल्क कहाँ पे इन्वेंट हुआ था और कैसे इन्वेंट हुआ था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. फाइन मैम, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ तनु, मैं भी ठीक हूँ. सो सिल्क कैसे इन्वेंट हुआ? चाइना में. वेरी गुड तनु, ठीक है, वेरी गुड. सिल्क इन्वेंट हुआ चाइना में, बट ये जो है ना, ये अचानक से इन्वेंट हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, जो एक क्वीन थी, ठीक है, चाइना की जो क्वीन थी, वो अपने आंगन में, ठीक है, वो एक पेड़ के नीचे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है और यहाँ पे वो जो क्वीन है हमारी, देखो ये क्वीन को ताज बना दिया और ये क्वीन हमारी यहाँ पे बैठी है. ये क्वीन बैठ के यहाँ पे चाय पी रही थी, शी वॉज सिपिंग टी. और थोड़े टाइम में क्या हुआ, ये सपोज हमारी टेबल आ गई, ठीक है, ये टेबल आ गई हमारी, ये क्वीन बैठ के चाय पी रही थी, और उसी टाइम पे क्या हुआ, पेड़ से, ठीक है, पेड़ से कुछ गोल गोल नीचे कप में गिरा. ठीक है, जब कप में गिरा वो चीज, तो कप में गिरने के बाद, मतलब वहां पे सिल्क वॉर्म का ककून, ठीक है, उस पेड़ पे सिल्क वॉर्म रह रहा था अपना घर बना के, यानी ककून बना के. ठीक है, सिल्क वॉर्म जैसे मकड़ी, जैसे स्पाइडर अपने लिए वेब बनाता है, वैसे ही जो सिल्क वॉर्म है वो ककून बनाता है. ठीक है, तो ककून जो है वो इसके कप में गिरा, और जैसे ही वो गरम गरम कप में गिरा, तो उस ककून में से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे उस क्वीन को. तो क्वीन ने सोचा कि ये है क्या. फिर क्वीन ने अपने जो वर्कर्स थे, ठीक है, वर्कर्स से कहा कि इसे ढूंढो कि ये क्या है. फिर वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने इसमें से एक थ्रेड बनाया. ठीक है, ये थ्रेड जो था ये शाइनी था, सिल्की था, और ये तब इनोवेशन हुआ सिल्क का. ठीक है, जैसे ही उन्हें पता चला कि सिल्क नाम का, मतलब ये थ्रेड है, उन्होंने उसे नाम दिया सिल्क, और इस सिल्क में से उन्होंने फैब्रिक बनाया. ठीक है, हाउ दे ब्रश देयर टीथ, वो अपने टीथ को ब्रश नहीं करते थे, दे डोंट यूज टू ब्रश देयर टीथ, तब वो एनिमल्स की तरह ही रहते थे. ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल कुछ आयुर्वेदिक चीजें होती है ना, जैसे नीम, तुलसी, जैसे जैसे इनोवेशंस हुए, राइट, जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए, पहले वो सिर्फ पानी से, वाटर से वॉश करते थे, पर जैसे जैसे उन्हें समझ में आया कि नीम, तुलसी और दातून जो होता है ये अच्छे हैं दांतों के लिए, फिर उन्होंने नीम, तुलसी, दातून, ठीक है, दातून बना के उन्हें अपने टीथ को ब्रश करना स्टार्ट किया. ओके खुशबू, वेरी फनी क्वीन. अभी मैं यहाँ पे क्वीन तो बना नहीं सकती, इसीलिए फनी क्वीन बनाई. ठीक है, यस मयंक दया, चाइना, चाइना में ही सिल्क इनोवेट हुआ. ठीक है, तो फिर चाइना से एक नया फैब्रिक आया जिसका नाम था सिल्क. ओके, सो नाउ अभी चाइना में सिल्क आ गया. फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, चाइना में ही लोगों ने जो प्लांट मटेरियल होता है ना, प्लांट की लीव्स, या फिर प्लांट के फ्लावर्स, या फिर प्लांट के रूट्स, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके जो कलर्स हैं, है ना, अलग अलग होते हैं. तो इन लोगों ने, चाइना के लोगों ने क्या किया, प्लांट में से नेचुरल कलर्स लिए, लीव्स के कलर्स, फ्लावर्स के कलर, रूट्स के कलर्स एक्सट्रैक्ट किए, यानी कि उन कलर्स को निकाला. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको हिबिस्कस यानी चाइना रोज दिया, ठीक है, चाइना रोज या कोई भी रोज दिया मैंने आपको, तो अगर आप इस रोज को, आप घर में करके देखना, एक डार्क कलर का, रेड कलर का कोई भी फ्लावर देना और उसे एकदम बॉइलिंग वाटर में डालना, ठीक है, इन पुट दैट
रोज और पुट दैट फ्लावर इन टू बॉइलिंग वाटर. तो जैसे ही आप बॉइलिंग वाटर में वो फूल डालोगे ना, तो बॉइलिंग वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, जो आपके फ्लावर का कलर है वो कलर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने चाइना रोज लिया है रेड कलर का, ठीक है. हिबिस्कस नाम होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ चाइना रोज इज हिबिस्कस, और इसे घंटी का फूल भी कहा जाता है, ठीक है. मैम व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रीम, ओ नेटवर्क इशू होगा, ठीक है. यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है तो वहाँ पे नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है. बिकॉज दैट इज कम फ्रॉम, नहीं, सिल्क ऐसा नहीं है. लेट मी क्लियर यू, व्हाट इज दैट, सिल्क जो है सिल्क इंडिया में भी बनाया जाता है, ठीक है. सिल्क इज मेड इन इंडिया, सिल्क इंडिया मतलब इन्वेंट चाइना में हुआ. फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल्स, ठीक है, कुछ एप्पल्स अमेरिका में भी ग्रो होते हैं, है ना. एप्पल्स का मेन ओरिजिन मतलब एप्पल्स अमेरिका में भी ग्रो होते हैं, साथ ही साथ इंडिया में भी ग्रो होते हैं. इसी तरह जो सिल्क है वो चाइना में भी बनाया जाता है और इंडिया में भी बनाया जाता है, ठीक है. चाइना के लोग जब इंडिया आए तो उन्होंने सिल्क बनाना इंडिया वालों को भी सिखा दिया, ठीक है. तो अब इंडिया में अलग से सिल्क बनता है, यानी वो इंडियन ओरिजिन है. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर काव्या मैम. कितना ईयर पहले सिल्क डिस्कवर हुआ? आई थिंक 13th सेंचुरी से पहले, ठीक है. 1500 से 1600 साल पहले की बात है, और इससे भी पहले की टाइमिंग हो सकती है, ठीक है. 1500 से 1600 साल पहले की बात है जब सिल्क इन्वेंट हुआ होगा. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर तनी, ठीक है. इससे भी पहले का टाइम हो सकता है ना. मैं सिर्फ एस्टिमेट करके बता रही हूँ आपको, इट इज नॉट श्योर, मतलब इससे पहले हुआ होगा, ठीक है. 1500 या 1600 साल से पहले की बात है, ठीक है. हाँ, तो 1500 से 1600 साल पहले सिल्क इन्वेंट हुआ था. इज इट क्लियर, ठीक है. चलो, तो फिर अब हम आते हैं किस पे, अभी हम आते हैं, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट. आई वाज टॉकिंग अबाउट 13th सेंचुरी, राइट. तो जब हमने बॉइलिंग वाटर्स में मतलब रेड कलर आ जाएगा, तो वैसे ही चाइना वालों ने क्या किया, मतलब चाइनीज में के जो लोग थे उन्होंने प्लांट के कलर्स एक्सट्रैक्ट किए और उसे फैब्रिक, है ना, फैब्रिक में डालना स्टार्ट किया. यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाइंग करना स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड टू डाई दिस फैब्रिक, ठीक है. ओके तनी, 40th सेंचुरी, यस 40th सेंचुरी इज द राइट, वेरी गुड, ठीक है. मैं क्या बोल रही थी, यस मैं बोल रही थी कि फैब्रिक जो है ना, फैब्रिक को कलर देना, है ना, चाइना वालों ने सबसे पहले कलर देना स्टार्ट किया, डाइंग करना स्टार्ट किया फिर 13th सेंचुरी में, ठीक है. 13th सेंचुरी में ये जो डाइंग का प्रोसेस है, ठीक है, डाइंग का जो प्रोसेस है लगभग पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया. यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में लोगों ने कपड़ों को अलग अलग कलर देना स्टार्ट कर दिया. ओके, सो जब कपड़ों के पास अलग अलग कलर्स है, कपड़े पहनना स्टाइलिश हो गया, जब मतलब कपड़ों, तभी हम बोलते हैं कि कपड़ों में फैशन आया, ठीक है. अलग अलग कलर्स के कपड़े, लोग, खुला कपड़ा था, है ना, स्टिचिंग पता नहीं था क्या है, तो उन्होंने कपड़े को रैप करना स्टार्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, लुंगी पहन के पहनना स्टार्ट किया. फिर उन्होंने साड़ी, फॉर एग्जाम्पल लुंगी, जैसे जैसे जो मेन है वो लुंगी बांध के रहते थे, या फिर धोती बांधते थे, है ना, धोती लुंगी, या फिर जो इंडियन वुमेन है वो साड़ी पहनती थी. इसी तरह जो अलग अलग पीपल हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से कपड़े को बांधना स्टार्ट किया, ठीक है. कलर्स देना आ गया, फिर उन्हें बांधना आ गया, कपड़े को कैसे पहना जाता है. फिर थोड़े टाइम बाद स्विंग नीडल्स यानी सिलाई करने वाली जो सुइयां हैं वो इन्वेंट हुई, और फिर हमको स्टिचिंग करना आया, है ना, स्टिचिंग करना आया. और फिर 13th सेंचुरी में, ठीक है, 13th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था, 13th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब जब लोगों को कपड़े, है ना, कपड़ों को अलग अलग तरीके से स्टिच करना और उन्हें पहनना स्टार्ट हो गया. यानी 13th सेंचुरी में लगभग पूरे वर्ल्ड में कपड़े जो है वो फैशन की तरह यूज होने लगे.
ठीक है, इज इट क्लियर मैम? प्लीज टेल शेड्यूल। ओके क्रेयॉन इज ओके ओके लेट मी टेल यू। ये है क्रेयॉन जो है, ठीक है, जो क्रेयॉन है ये वैक्स से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्रेयॉन जो है वो वैक्स से बनाए जाते हैं। सो ये फ्लावर डाई से, मतलब कुछ कुछ क्रेयॉन जो है, फॉर एग्जाम्पल वैक्स जो होती है मोस्ट प्रोबेबली वाइट कलर की होती है, तो वैक्स को कलर करने के लिए फ्लावर के जो डाइस हैं वो यूज होते हैं। पर अभी है ना, अभी फ्लावर डाई जो है ये ज्यादा यूज में नहीं है। अभी क्रेयॉन को बनाने के लिए केमिकल कलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, केमिकल कलर्स आर यूज इन क्रेयॉन, वैक्स को कलर करने के लिए अभी केमिकल कलर्स यूज किए जाते हैं। वाई? बिकॉज फ्लावर डाई जो होती है वो इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। अगर हम मैं उसको ऐसे कलर करूंगी तो वो एक चीज से कलर दूसरे चीज में कलर नहीं आएगा। फॉर कलरिंग वी यूज केमिकल कलर फॉर मेकिंग क्रेयॉन। इज इट ओके? ओके ओके काव्या, एंड प्लीज टेल शेड्यूल। कैंडल ऑल्सो मेड फ्रॉम वैक्स? यस खुशबू, कैंडल इज ऑल्सो मेड ऑफ वैक्स, इसीलिए कैंडल का कलर व्हाइट होता है। या फिर अलग अलग कलर्स की कैंडल्स भी अवेलेबल होती है। ठीक है, एंड व्हाट वाज दैट? तनु, आपको शेड्यूल चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल आप लर्न फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब, ठीक है, जब आप लर्न फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आप उसके कम्युनिटी टैब में जाओगे तो वहां पे आपको टाइम टेबल मिलेगा। ठीक है, टाइम टेबल में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टीचर का लेक्चर कब है और कैसे कैसे होने वाला है। क्लास सिक्स का जो क्लास सिक्स के जो वीडियोस हैं वो क्लास सिक्स के जो वीडियोस हैं वो मंडे को होते हैं, वेनेसडे को होते हैं और फ्राइडे को होते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑन अल्टरनेट डेज। ओके तनु, इट इज मेड बाय वैक्स, यस। ठीक है, कैंडल्स, हेलो राकेश कुमार, हेलो हाउ आर यू राकेश कुमार? यस कैंडल्स आर मेड फ्रॉम वैक्स, यू आर राइट। जो कैंडल्स हैं वो वैक्स से बनी हुई होती हैं और जो क्रेयॉन्स हैं वो भी वैक्स से बने होते हैं। इज इट क्लियर? यस ओके। सो 13th सेंचुरी की बात चल रही थी, राइट? 13th सेंचुरी में जो क्लोथ है वो फैशन की तरह यूज करने लगे हम लोग, है ना, फैशन की तरह यूज करने लगे, और तब वैरायटी ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल थे। और 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी यानी थोड़े टाइम पहले, ठीक है, 20th सेंचुरी में क्या हुआ? 20th सेंचुरी में क्लोथ्स, मतलब जीन्स भी इन्वेंट हो गई और टी शर्ट्स भी इन्वेंट हो गई। ठीक है, तो 20th सेंचुरी में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स आ गए, फ्रॉक्स आ गए, जीन्स आ गए, जैकेट्स आ गए, टी शर्ट्स आ गए, और ये जो वुलन स्वेटर्स हैं वो भी आ गए। तो 20th सेंचुरी आज के टाइम पे हमारा फैशन क्या है? वराइटी ऑफ मटेरियल्स, राइट? तो हमने कभी सोचा है कि इसके पीछे की हिस्ट्री कैसे थी? सो इसके पीछे की हिस्ट्री इतनी बड़ी है। पर इतना फैशन होने के बाद भी, है ना, इतने सारे टाइप के क्लोथ्स होने के बाद भी हम खुले कपड़े यानी अनस्टिच क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग साड़ी पहनते हैं, आज भी कुछ कुछ एरियाज में लोग धोती पहनना पसंद करते हैं, लुंगी पहनना पसंद करते हैं और टर्बान। ठीक है, टर्बान यानी क्या? पगड़ी, लोग पगड़ी भी पहनते हैं। इतना फैशन होने के बाद भी लोगों में अनस्टिच क्लोथ पहनने का जो चाहत है वो नहीं गई, है ना, हम आज भी अनस्टिच क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। आज वैरायटी ऑफ फैशन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम कोट, यस कोट भी पहनते हैं ना, कोट कोट कहो आप, ब्लेजर कहो, ठीक है, ये कोट है, इसे ब्लेजर कहो, ये स्वेटर है, जो भी आप कहो। ओके स्वाति, इतने टाइप का वैरायटी ऑफ फैशन आज अवेलेबल है। तो ये हुई क्या? ये हुई हमारे क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री। अभी सपोज, ठीक है, अभी हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी आपको आपका जनरल नॉलेज थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पर आपका जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए सपोज मैंने आपको कॉटन क्लोथ दिया, ठीक है, मैंने आपको कॉटन का क्लोथ दिया, सिल्क का क्लोथ दिया, वूल दी, ठीक है, वूल के साथ साथ मैंने आपको दिया
वूल के साथ साथ मैं आपको दूसरा कपड़ा दूंगी जो सिंथेटिक है, ठीक है। सिंथेटिक फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया नायलॉन, ठीक है। तो मैंने आपको फोर टाइप के कपड़े दिए, कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कपड़ा कॉटन है, कौन सा नायलॉन है, कौन सा सिल्क है और वूल है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फाइबर्स? नायलॉन, रियन, मैम माई ग्रैंडमा वेयर साड़ी, यस, साड़ी इंडिया की पहचान है, ठीक है। तो साड़ी इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली जो वुमेन्स है वो साड़ी पहनना पसंद करती है। सो अनस्टिच क्लोथ जो है वो आज भी फैशन में है, पगड़ी पहनते हैं लोग, है ना। सो शादियों में भी पगड़ी पहनी जाती है अनस्टिच क्लोथ की जो पॉपुलैरिटी है वो अब तक नहीं गई, ठीक है। सिल्क इज स्मूथ, वेरी गुड, सिल्क स्मूथ है, वेरी गुड। इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ अगर सिल्क की रियल मतलब आजकल क्या है, अभी नायलॉन जो है, नायलॉन भी स्मूथ होता है, ठीक है, नायलॉन भी स्मूथ है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिल्क का मतलब कुछ कुछ सिल्क तो होती है पर उसमें कुछ दूसरा मटेरियल मिला हुआ होता है, यानी प्योर सिल्क नहीं होती। तो आइडेंटिफाई कैसे करना कि ये प्योर सिल्क है कि नहीं, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, यानी इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल सिल्क को, ठीक है, सिल्क को जब बर्न किया जाता है, ठीक है, सिल्क को जब हम लोग बर्न करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये सिल्क का फैब्रिक है और मैंने इसे कैंडल में बर्न किया, तो बर्न करने के बाद क्या होगा, जो सिल्क का कपड़ा है वो श्रिंक होगा। श्रिंक होगा मतलब क्या, उसकी साइज रिड्यूस होगी, ठीक है। वूल इज वॉर्म, वेरी गुड, वूल इज वॉर्म, यस, वूल वॉर्म है और इसका टेक्सचर भी अलग होता है ना। टेक्सचर ऑफ सिल्क एंड वूल इज डिफरेंट फ्रॉम कॉटन एंड नायलॉन, ठीक है। सो जब हम सिल्क को कैंडल में या फिर किसी भी चीज में जलाएंगे तो सिल्क का जो कपड़ा है उसकी साइज जो है वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस होगी यानी क्या होगी, श्रिंक होगी। श्रिंक होने के साथ साथ उसमें से एक स्मेल आएगी, ठीक है। ये जो स्मेल होगी, ये स्मेल ऐसी होगी जैसे कि मीट को जलाया जा रहा है, ठीक है। चैट मीट की जैसे खुशबू होती है ना, वैसे ही सिल्क को जलाने पर खुशबू हो आती है। तो अगर एक कपड़ा, कपड़े की साइज कम हो रही है, साथ ही साथ उसमें से स्मेल आ रही है जैसे मीट, कोई मांस जल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो कपड़ा है ये प्योर सिल्क है। इज इट क्लियर? यस। टू आइडेंटिफाई सिल्क, टू आइडेंटिफाई सिल्क, ये एक टेक्निक है, ठीक है। इसे जलाया जाता है और देखा जाता है कि कपड़े की साइज कम हो रही है कि नहीं, और उसमें से एक जले हुए मीट की स्मेल आ रही है या नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको समझा श्रिंक होना? क्या श्रिंक होना मतलब, पहले इतना कपड़ा था, फिर जब वो जलेगा तो ऐसे 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 उसका साइज कम होते जाएगा। यस यस खुशबू, ओके। सो लेट मी टेक माई इरेजर, और मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरे जो कपड़े हैं, है ना, दूसरे जो कपड़े हैं उनकी भी टेस्टिंग करके, मतलब टेस्टिंग करके हम बता सकते हैं कि वो प्योर कॉटन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कैंडल लिया मैंने, ठीक है, कैंडल लिया और उसमें कॉटन को मैंने जलाया, मैंने क्या किया, कैंडल में कॉटन के कपड़े को जलाया, तो क्या होगा, ठीक है। ओके खुशबू, ओके स्वाति, यस। सो कॉटन को जब जलाएंगे, ठीक है, कॉटन को जब जलाएंगे तो जो कॉटन है वो श्रिंक नहीं होता, कॉटन नॉट श्रिंक, ठीक है। यानी कि कॉटन का जो साइज है, द साइज ऑफ कॉटन फैब्रिक, द साइज ऑफ कॉटन फैब्रिक विल नॉट रिड्यूस, ठीक है, ये कम नहीं होगा। और कॉटन को जलाने पर, ठीक है, कॉटन को जलाने पर उसकी स्मेल कैसी आती है, स्मेल ऐसी होती है जैसे हम लोग पेपर को जला रहे हैं, स्मेल इज ऑफ बर्निंग पेपर। तो कॉटन को अगर चेक करना है तो जब हम उसे जलाएंगे तो कपड़ा जो कॉटन का है वो श्रिंक नहीं होगा और कॉटन में से जलते हुए पेपर की तरह स्मेल आएगी, ठीक है। नो वन वॉन्ट्स टू वेयर अ बर्न क्लॉथ। स्वाति, एग्जैक्टली बात ऐसी है कि अगर आपको मतलब जो क्लॉथ्स हैं, राइट, जो क्लॉथ्स हैं वेस्ट क्लॉथ भी होते हैं, है ना, जो फैक्ट्री है यानी जो टेलर्स हैं उनके पास बहुत सारे टेस्ट वेस्ट क्लॉथ होते हैं, है ना। तो ये वेस्ट क्लॉथ जो है इनका कोई यूज नहीं होता, वैसे भी वो लोग डंप ही करने वाले हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट ने, इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए साइंटिस्ट ने उसे इसमें जलाकर देखा, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉटन की और सिल्क की, ठीक है। तो
कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, टेलर्स के पास वेस्ट क्लॉथ होता है, तो हम वहाँ पे ये टेस्टिंग कर सकते हैं। और कॉटन की और जो दूसरे फैब्रिक्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज समझने के लिए साइंटिस्ट ने ये सारे टेस्ट इन्वेंट किए हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस। कॉटन श्रिंक नहीं होगा और इसमें से बर्निंग पेपर की स्मेल आएगी। नाउ लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट। अभी हम लोग दूसरा फैब्रिक लेंगे। ठीक है, दूसरा फैब्रिक लेंगे, यस, दूसरा फैब्रिक लेते हैं वूल। ठीक है, तो जब मैं वूल को बर्न करूंगी, ठीक है, वूल को बर्न करूंगी जब मैं कैंडल में, फॉर एग्जांपल ये मेरी कैंडल आ गई और मैंने यहाँ पे ले लिया वूल, तो वूल का जो कपड़ा है ये श्रिंक होगा, द साइज ऑफ वूल विल रिड्यूस, और इसमें से जो स्मेल आएगी ना वो स्मेल ऐसे होगी जैसे कि किसी के हेयर्स जल रहे हैं, है ना। वूल जो है वो हेयर से बना हुआ होता है, तो इसलिए जब हम उसे जलाएंगे तो हमें हेयर जब जलते हैं उस तरह की स्मेल आएगी। ठीक है, यस, इट विल बर्न फास्ट, यस खुशबू। कैन यू टेल व्हाट विल यू टीच नेक्स्ट। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और फिर चैप्टर फोर पे शिफ्ट करेंगे। ओके, रिविजन होगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के बाद हम चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके अद्वित, ठीक है। स्मेल जो है, मतलब ये जो आने वाले दिन होंगे मैंने उसका शेड्यूलिंग बता दिया, और अगर आपको और भी ज़्यादा शेड्यूलिंग जानना है तो आप लर्न फटाफट, लर्न फटाफट चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, तो जब भी मेरा जो भी सेशन होने वाला है उसका टॉपिक नेम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो जो वूल है वो श्रिंक होगा और उसमें से जलने की, मतलब हेयर्स के जलने की खुशबू आएगी। और अगर मैंने वूल को हटा के यहाँ पे मैंने सिंथेटिक क्लोथ रखा, ठीक है, तो अगर मैंने सिंथेटिक क्लोथ को जलाया तो सिंथेटिक क्लोथ को जलाने पर क्या होगा, सिंथेटिक क्लोथ को जलाने पर वो श्रिंक होगा प्लस वो मेल्ट होगा। ठीक है, मेल्ट होगा यानी कि वो सीधा मेल्ट होकर, जैसे पॉलीथीन को जैसे हम जलाते हैं ना, तो पॉलीथीन को जलाते टाइम कैसे वो मेल्ट होती है, वैसे ही सिंथेटिक क्लोथ, फॉर एग्जांपल नायलॉन, मेल्ट होगा और उसमें से जो स्मेल आएगा वो स्मेल होगा प्लास्टिक बर्निंग का। ठीक है, जब हम प्लास्टिक जलाते हैं कैसा स्मेल आता है, वैसे ही सिंथेटिक नायलॉन, मतलब सिंथेटिक कपड़े को जलाते टाइम स्मेल आता है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्टिंग है। ओके, ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने हिस्ट्री देखी कि फैब्रिक इन्वेंट कैसे हुआ और वो फैशन में कब आया, कैसे आया। ठीक है, और हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सिल्क के कैरेक्टरिस्टिक देखे, वूल के देखे, सिंथेटिक मतलब नायलॉन कपड़े के कैरेक्टरिस्टिक देखे। सो जो भी सिंथेटिक होगा, रेयन ले लो, नायलॉन ले लो, पॉलिएस्टर ले लो, सारे के सारे श्रिंक होंगे, मेल्ट होंगे और उनको जलाने पर प्लास्टिक का स्मेल आएगा। सो आज का सेशन आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे लर्न फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई मेंबरशिप प्लान लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे मेंबरशिप प्लान्स भी अवेलेबल है, आप नीचे ज्वाइन जो वर्ड है उस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे कुछ वीडियो ऐसे हैं जो सिर्फ मेंबरशिप्स वाले लोगों के लिए ही अवेलेबल है। और अगर आपको और भी ज़्यादा लाइव क्लासेस चाहिए और स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्ले स्टोर पर जाना चाहिए और वहाँ से लर्न फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री में अवेलेबल है। सो लेट मत करो, अभी लर्न प्ले स्टोर पर जाओ और लर्न फटाफट लर्निंग ऐप अभी डाउनलोड करो। ठीक है, यस, द सेशन इज ओवर। अभी ये सेशन ओवर हो चुका है, आज हमने ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा कवर कर लिया, राइट। लेट मी टेल यू वंस अगेन, ठीक है, फाइबर्स के बारे में समझा, नेचुरल फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर क्या है ना, फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल, ये नेचुरल फाइबर हो गए, सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, रेयन, फिर कॉटन, जूट को अच्छे से समझा, फिर स्पिनिंग का प्रोसेस दिखा, फिर वीविंग और निटिंग का प्रोसेस दिखा, और आज हमने हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल भी देखा। ठीक है, यस स्वाति, व्हेन वी बर्न प्लास्टिक इट स्मेल्स बैड, यस, उसका स्मेल खराब होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है। प्लास्टिक बर्न होते से क्या होता है, एक तो गंदी स्मेल आती है, ठीक है, द स्मेल इज बैड, एज वेल एज जो उसके वेपर्स हैं यानी जो उसकी गैसेस रिलीज होती है
दीज गैसेस आर हार्मफुल फॉर आर एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है एज वेल एज इट इज हार्मफुल फॉर आर हेल्थ, ठीक है. सो ये एयर पॉल्यूशन भी करती है और हमारी हेल्थ को भी खराब करती है. दैट्स वाई वी शुड नॉट बर्न प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है. ये आपके टॉपिक की बात नहीं है, एक्सेप्ट करती हूँ, बट ये एज अ ह्यूमन बींग हमारा सबसे पहला काम है कि हमें जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे बंद करना है और हमें जो प्लास्टिक है उसे रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, या फिर उसे रीयूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज कर सकते हैं और या फिर उसे रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है. ओके खुशबू, इज इट क्लियर? प्लास्टिक से बहुत गंदी स्मेल आती है, यू आर राइट, ठीक है. प्लास्टिक जलाने पर जो स्मेल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती. यस, आप चैट करके बता सकते हो. सो नाउ द सेशन इज ओवर. अब हम नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का पूरा रिवीजन देखेंगे, ठीक है. और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो. सो बाय एवरीवन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन.